स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ वायु और खुद में सेहतमंद और विश्वास रहना जरूरी है। अगर हम स्वस्थ रहे तो हमें वायु भी स्वच्छ चाहिए, स्वच्छ वातावरण चाहिए, स्वच्छ माहौल चाहिए। स्वस्थ वातावरण मुहैया कराने को लेकर निगम अग्रसर है और इसको लेकर कार्य किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें धनबाद जिले की, तो पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है, साथ में ये चुनौती भी है, लेकिन उन चुनौतियों को समाधान करने को लेकर निगम कार्य कर रही है। और जो वायु प्रदूषण को लेकर जो एक धनबाद का लोगों के दिमाग में बना हुआ है कि नहीं यहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा होते हैं, उसको कैसे दूर करना है, कैसे निपटना है, इन सभी बातों से नगर आयुक्त रविराज शर्मा जी से हम जानेंगे क्या कुछ प्लान है, जल संचय को लेकर किस प्रकार का प्लान है, तमाम मुद्दों पर उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। सर, धनबाद पोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, लगातार सभी के दिमाग में यह बैठे हुए हैं कि यहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है। नगर निगम की हम बात करें तो वायु पोल्यूशन को लेकर यहाँ भी थोड़ा रैंक कम आया है। अभी किस प्रकार के प्लान है, कैसे इसको निपटना है और क्या कुछ आपका प्लान आगे है जो इस पर कार्य करेंगे? देखिए, धनबाद नगर निगम एक ऐसा नगर निगम है, सिंगल नगर निगम है जी, जहाँ की नगर निगम के बीच में ही कोल माइंस हैं, ओपन कोल माइंस भी हैं और अंडरग्राउंड कोल माइंस भी हैं जी। तो और कोल माइंस होने से वायु प्रदूषण है, डस्ट पॉल्यूशन तो है, हम इसको नकार नहीं सकते हैं। और धनबाद का लाइफलाइन भी कोल माइंस है, धनबाद की जितनी अर्थव्यवस्था है वो कोल माइंस पर डिपेंडेंट है। तो हम लोग कोल माइंस से अलग धनबाद की परिकल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन इसी में हम लोगों ने वे आउट निकाला है। हम लोग पॉल्यूशन, पहले तो बहुत ज़्यादा था पॉल्यूशन, धनबाद देश के मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में इसकी गिनती होती थी जी। और नगर निगम ने लगातार प्रयास किए हैं और कोल बीसीसीएल ने भी और बाकी भी कोल माइंस ने भी अपने स्तर से प्रयास किए हैं, उसका फल मिल रहा है, लोग काफ़ी इम्प्रूव कर रहे हैं। हम लोग, आपको पता होगा कि हम लोग पिछले साल हम लोग की रैंकिंग 19वीं रैंकिंग आ गई थी, और हम लोगों ने इस बार भी जो अच्छे कार्य करने के लिए हमें सीपीसीबी के द्वारा कुछ ग्रांट भी मिले हैं और इंसेंटिव भी हमको मिला है। इसमें 27 करोड़ रुपया जो मेरा ग्रांट था, 29 करोड़ रुपया वो हमको मिल गया 100%, प्लस 77 करोड़ रुपये हमको इंसेंटिव भी मिले हैं। तो करीब करीब 100 करोड़ रुपये हम लोग को मिले हैं अच्छे काम करने के लिए, और हम लोग और अच्छा करेंगे, ऐसा हम लोग का प्रयास है। वायु पोल्यूशन में हम लोग बेसिकली मेकराइज स्वीपिंग भी करा रहे हैं, इसके अलावा अभी हमारे पास कुछ गाड़ियाँ थी, हमने और कुछ गाड़ियों का ऑर्डर किए हैं, अभी 3 और गाड़ियाँ आने वाली हैं, जल्दी ही मुझे लगता है कि 1 वीक में वो गाड़ियाँ आ जाएंगी, तो हम लोग और अच्छे तरीके से मेकराइज स्वीपिंग कर पाएंगे। दूसरा, हम लोगों ने वाटर स्प्रिंकलिंग भी हम लोग कर रहे हैं लगातार, और कोल कंपनियों को भी ये निर्देश दिया गया है, उनसे अनुरोध भी किया गया है कि जहाँ गाड़ियाँ चलती हैं या माइंस के क्षेत्र में, वो लगातार अपना वाटर स्प्रिंकलिंग करते हैं ताकि धूल को वहीं पर रोका जा सके। अभी हाल के दिनों में वो भी डम के मामले ज़्यादा उठे हैं, उसको लेकर हाई तबाह मची है, यह भी एक कारण है पोल्यूशन का। अगर हम बात करें तो नदी में भी गिराया गया है, ओबी को लेकर बीच में झड़प भी हुआ है ग्रामीणों को लेकर, तो इससे भी कहीं ना कहीं पोल्यूशन का खतरा है। ओबी डम से तो होता ही है, पोल्यूशन तो होता ही है, लेकिन ये निर्देश बीसीसीएल को है कि जो ओबी डम जो है उन पर वो प्लांटेशन कराएंगे, उनको ग्रीन पैच में उनको विकसित करेंगे, और कई जगहों पर किया जा रहा है, लेकिन ये संतोषजनक काम नहीं है। हम लोगों ने कई ग्रीन पैच को देखा भी है, जिसके जिस पर उन्होंने ग्रीन पैच लगाए हैं, बट वो काम संतोषजनक, आपका एरिया है, आपके एरिया में अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो आप, हाँ बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। हम लोगों ने एक ज्वाइंट विजिट किया था, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी थे, मैं भी था, जिला के भी प्रशासन के भी लोग थे, तो हम लोगों ने पाया कि वो ग्रीन पैच संतोषजनक नहीं है, और बीसीसीएल को निर्देश दिया गया है कि ग्रीन पैच को सही तरीके से लगाएं और वो भी पूरा कवर करना चाहिए, ऐसा उनको निर्देश दिया गया है। तो मतलब आने वाले समय में इसको लेकर कुछ, तो उन्होंने अश्योर तो किया है कि हम लोग उसको और इम्प्रूव करेंगे। दूसरी ओर हम लोग एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए हम लोग ब्लैक टॉप, जितने रोड हम लोग ब्लैक टॉप कर रहे हैं, उसके बाद जो बचे जगह है उस पर हम लोग पेवर ब्लॉक भी लगा रहे हैं, और भविष्य में भी और पेवर ब्लॉक लगाए जाएंगे। हम लोगों ने क्यू ए
AMS सिस्टम लगाया हुआ है जिसमें वो लगातार मॉनिटरिंग करते हैं और इसका डाटा CPCB के पास जाता है, वो भी वहाँ से लगातार मॉनिटरिंग करती है। तो हम लोगों ने ये पाया है कि वायु प्रदूषण में सुधार हो रहा है। जारे के दिनों में चूँकि टेम्परेचर कम रहने से ये एक प्रोसेस था कि थोड़ा ज़्यादा हो गया था, अब लेकिन टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया है तो ये पॉल्यूशन धीरे धीरे और कम होगा और हम लोग लगातार इसमें सुधार करते जा रहे हैं। क्योंकि आपने बताया कि अभी ठंडा है तो एक और मैं अनुरोध करना चाहूँगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, पब्लिक से जी, कि खुले में वो कोयला ना जलाएं। बहुत जगह हम लोगों ने देखा है कोयला खुले में लोग जलाते हैं, इससे पॉल्यूशन फैलता है। तो ये एडवाइजरी हम लोग जारी भी पहले भी किया है कि खुले में कोयला नहीं जलाएं। हम लोग लगातार वीकली हम लोग हेल्थ बुलेटिन भी जारी कर रहे हैं, लोगों तक पहुँच रहा है कि हमारी क्या स्थिति है। उसमें हम लोग लोगों से अनुरोध भी करते हैं कि क्या काम नहीं करने हैं, क्या करने चाहिए। तो अनुरोध भी लोगों से भी कि पॉल्यूशन नहीं फैलाए जी। तो जैसा कि आपने बताया कि आप कार्य कर रहे हैं और आने वाला समय में और बेहतर यहाँ पे हवा लोगों को दे पाएंगे, अपील भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चूंकि अब गर्मी आने वाला है, ऐसे में धनबाद अक्सर पेयजल की समस्या से जूझता रहा है, इस बार निगम का क्या प्लान है, किस प्रकार की समस्या से जो लोग जूझ रहे हैं धनबाद, उसको कैसे दूर करने का अमलीजामा पहनाने का प्लान है आपका? और देखिए, धनबाद में पानी, पीने के पानी की समस्या है। माडा और नगर निगम दोनों ही कोशिश कर रहा है कि शहरवासियों को पानी, पीने के पानी की दिक्कत नहीं हो, लेकिन जैसा मुझे बताया गया, मुझे पता भी है कि गर्मी के दिनों में पानी की दिक्कत होती है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारे यहाँ 3 स्कीम्स जो बड़ी बड़ी स्कीम चल रही हैं, वो 3 स्कीम चल रही हैं जिसमें लगता है कि मैं 2-3 साल और लगेगा, ऑलरेडी ये डिलेड चल रही हैं, लेकिन 2 या 3 साल में हम लोग को लगता है कि ये तीनों स्कीम पूरी हो जाएंगे तो हम लोग धनबाद में पानी की, पीने की पानी की समस्या नहीं रहेंगे। हम लोग अभी अपने स्तर से भी कोशिश कर रहे हैं, तो चाची लेक में भी हम लोगों ने कुछ काम हम लोग कर रहे हैं, जमाडोवा में भी हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, वाटर जो का प्लांट है फिल्ट्रेशन का हम लोग ठीक कर रहे हैं, लीकेज को हम लोग ठीक कर रहे हैं, मशीन हम लोग बदल रहे हैं, तो ये सारे हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों ने कई स्कीम माडा से भी लिए हुए हैं स्थानीय स्तर पर ताकि पीने के पानी की समस्या को हम लोग गर्मी में ना होने दें। हमारी पूरी कोशिश है कि ये समस्या हम लोग नहीं आने देंगे। कुएं का जीर्णोद्धार को लेकर भी आपने पहल शुरू की है, कुछ जगहों को चिन्हित किया है अलग अलग इलाकों में, वहाँ पे कुएं को जीर्णोद्धार किया जा रहा है जल संचय को लेकर। देखिए, अभी महुआ जो है, जो आवासन एवं नगर विकास मंत्रालय है केंद्र सरकार की, उसके अंदर में अमृत 2 प्लान चल रहे हैं। अमृत 2.0 प्लान में कुछ जो सेल एक्विफर्स हैं, जो कुएं हैं, उनके जीर्णोद्धार की बात वहाँ हो रही है। तो धनबाद पे पायलट प्रोजेक्ट भी जो 10 शहरों में चल रहा है, देश के 10 शहरों में धनबाद भी एक है, और ईस्टर्न इंडिया में धनबाद और कलकत्ता ही 2 शहर है जहाँ ये प्रोग्राम चल रहे हैं। तो पायलट प्रोजेक्ट में यहाँ पर 5 ऐसे कुएं को लिया गया, चिन्हित किया गया है जहाँ की जलस्तर कम था और इसको जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। तो हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं और हम लोगों ने अच्छा काम किया है। हम लोग में मीटिंग में भी गया था वहाँ पर वर्कशॉप में, तो हमारे काम को सराहा गया कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमको उम्मीद है, ये तो हम लोग अभी काम कर रहे हैं, ये पायलट प्रोजेक्ट है, टेस्टिंग है, तो लगता है कि जलस्तर इसमें अगर ऊंचा होता है ऐसे कुओं में जहाँ जलस्तर नीचे जा रहा है, हम लोग जो जीर्णोद्धार का काम कर रहे हैं, अगर अच्छे रिजल्ट आएंगे तो हम लोग शहर में जितने भी इस टाइप के जल के स्रोत हैं, कुएँ हैं जो गर्मी में सूखते हैं, हम लोग उसके लिए भी हम लोग उसको वहाँ चाहते हैं कि वहाँ ये काम हो, बस हम लोग इसका रिजल्ट का इंतजार करेंगे। एक समस्या और है, क्योंकि कुएं में की जो है जीर्णोद्धार कर रहे हैं तो खुला रहने से आए दिन दुर्घटना होती है। कल ही की अगर हम बात करें तो एक बच्चा RDS कॉलोनी में कुआं में गिर गया, अगर कुएं के ऊपर जाली लगा होता तो हो सकता था उसकी जान बच सकती थी। इसमें भी कुछ पहल करने का प्लान है आप लोगों का? देखिए, अधिकतम कुएं जो है वो निजी कुएं हैं, निगम के कुएं नहीं है। तो हम लोगों से अनुरोध करेंगे कि ऐसे अपने कुएं को ढककर के रखें। अभी जैसे आपने बताया जल संचय को लेकर प्लान है, कुछ तालाबों को का अधिग्रहण भी हुआ है, उसको लेकर भी कुछ सौंदर्यीकरण का प्लान था, वो मामला भी कहाँ अटका हुआ है? देखिए, हम लोग अभी कई तालाबों का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं जी। हम लोग को टेंडर किए थे, टेंडर फाइनल हो गए हैं, उस पर काम शुरू होगा। और हम लोग अभी लोको टैंक का भी सौंदर्यीकरण करने जा रहे हैं, रेलवे सेगमेंट जी के बाद चल रही है, हो जाएगा सेगमेंट।
तक वो भी हम लोग कर रहे हैं, पप्पू तालाब का भी हम लोग निर्धार करेंगे, उनका सौंदर्यीकरण करेंगे, बाकी भी जो तालाब हैं वाटर बॉडीज हैं हम लोग उनका सौंदर्यीकरण करने का प्लान है। हम लोग फेज वाइज सबको लेकर चल रहे हैं। हम लोग अभी इस साल में हम लोग 5 जो तालाब हैं उनका हम लोग सौंदर्यीकरण का प्लानिंग किया है, जो अभी टेंडर हो गया है और हम लोग वर्क ऑर्डर इशू कर रहे हैं, वो होंगे। हम लोग फ्यूचर में एक एक करके सभी तालाबों को, कुछ ऐसे तालाब जो अधिग्रहण हो चुके हैं उस भी उसमें भी अधिग्रहण मुक्त कराने का निगम का प्लान है क्या? कुछ अतिक्रमण तालाब हुए हैं तो जैसे जैसे हम लोग सौंदर्यीकरण करेंगे उसको हम लोग अतिक्रमण से मुक्त कराएंगे। कुछ प्राइवेट तालाब भी हैं, हम लोग अगर कमर्शियल मिलता है तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे। एक समस्या और है, लगातार आप प्रयास भी कर रहे हैं, अतिक्रमण और अवैध पार्किंग, इससे कैसे निजात दिलाने का प्लान है निगम के पास? देखिए, शहर में सड़कें काफ़ी कम चौड़ी हैं और व्हीकल का जो पॉपुलेशन है वो हमेशा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है कि 5,000 या 6,000 7,000 के आसपास पर मंथ में व्हीकल धनबाद में बढ़ जा रहे हैं, और रोड की चौड़ाई तो नहीं बढ़ रही, हमारे पास स्कोप भी लिमिटेड है, हम शहर को और सड़कों को चौड़ा नहीं कर सकते। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तक जो जगह है हम लोग उसका उपयोग करें पार्किंग के रूप में। हमारी योजना तो थी कि हम लोग मल्टी लेवल पार्किंग बनाएं, लेकिन उसके जगह उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं हमें। अगर जगह मिलेगा तो हम लोग जगह ढूंढ रहे हैं, जगह मिल जाएगा तो हम लोग मल्टी स्टोरी पार्किंग की योजना हमारे निगम में, हमारे मन में भी है कि हम लोग कुछ जगहों पर करना चाहते हैं। कुछ स्ट्रीट फूड हब का भी आपने प्लान रखा था महानगर के तर्ज पर यहाँ करने का, वो मामला अभी कहाँ लटका हुआ है, उसको कहाँ कुछ प्लान है? फूड हब के लिए हम लोगों ने पूर्व में DPR बनाया था, तो वो हम लोग बरटाड़ में हम लोग अभी टेंडर किया है उसको जी, और अच्छी योजना है। लोग चाहते हैं कि शहरवासियों को अच्छा हाइजेनिक फूड मिले, और इसके लिए हम लोगों ने DPR तैयार करके बरटाड़ में हम लोगों ने उसको टेंडर किया है करने के लिए। टेंडर फाइनल होगा तो हम लोग उसमें शहर के जो अच्छे और जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो अच्छा खाना बनाते हैं, अच्छे कुक हैं, हम लोग उनको वहाँ पर चाहते हैं कि उनको हम लोग वहाँ पर सेटल करें, ताकि एक मॉडल के रूप में धनबाद में विकसित हो और लोग वहाँ पर जाएं। एक सवाल और है, क्योंकि घर में लोग कनेक्शन भी ले रखे हैं पानी का, सप्लाई के निगम के द्वारा पानी भी जाती है, तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आती है कि लोगों का कहना है कि दबाव नहीं होने से प्रचुर मात्रा में उन्हें पानी नहीं मिल पाती है, इसको किस तरह से दूर करना है, या फिर टैक्स की कोई समस्या आ रही है, इसको कैसे दूर करने का प्लान है? देखिए, अब पीने के पानी की समस्या में मेन यही है कि हमारे कनेक्शन तो हमने बढ़ा दिए, बट पानी का सोर्स हमने बढ़ाया नहीं। तो अभी हम लोग का प्राइम मोटिव है, जो एम है, कि जो पीने के पानी का जो सोर्स है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारे पास अगर सोर्स लिमिटेड रहेगा, कनेक्शन ज़्यादा दे देंगे तो ऑब्वियस है कि वाटर का आपका जो प्रेशर है पानी का कम हो जाएगा। कई जगह में शिकायत मिलती है कि पानी उनके पास पहले मिलता था, अब नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों ने जांच कराया, चला पता कि उनके जो नीचे के एरिया हैं वहाँ कनेक्शन दे दिया गया है, वहाँ तो पानी जा रहा है लेकिन पहले जो मिलता था पानी वहाँ वो पानी बंद हो गया। तो ऐसे जगहों में हम लोग तभी पानी दे पाएंगे अच्छी तरह से, अच्छे जबकि हमारा पानी का स्रोत अच्छा मिल जाए, हम लोग को टावर बन जाए, पाइपलाइन हमारे सारे बन जाए। तो हम योजनाओं पर काम कर रहे हैं, हम लोग 2-3 साल में इस योजनाओं पर हम लोग धरातल पे उतार देंगे तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। तो इस बार गर्मी में पेयजल की समस्या से निजात मिलने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पेयजल की समस्या यहाँ पर गर्मी में नहीं हो, कुछ होगी तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि। तो ये थे नगर आयुक्त रविराज शर्मा जी, इनका स्पष्ट कहना है कि हर तरह से निगम कार्य करेंगे, लोगों को भी सहयोग करने की जरूरत है। जैसा कि इन्होंने बताया कि प्रदूषण में लोगों से अपील इन्होंने किया कि कोयला खुले में ना जलाएं ताकि वायु प्रदूषण ना हो, साथ ही ये ग्रीन पैच प्लांटेशन और स्प्रिंकलिंग करने का भी प्लान इन्होंने किया है ताकि वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। इनका यह प्लान है कि आने वाले समय में धनबाद शहर एक स्वच्छ के रूप में जाना जाएगा। साथ ही पेयजल को लेकर भी इनका स्पष्ट कहना है कि कनेक्शन जैसे दिए गए स्रोत नहीं है, स्रोत पर काम हो रहे हैं, जैसे कुएं का जीर्णोद्धार किया जा रहा है और तरह की योजनाएं हैं, जल संचय को लेकर कार्य कर रहे हैं, स्रोत आने के बाद सभी को निर्बाध आपूर्ति देने की बात इन्होंने कही है। तो जिस तरह से निगम अग्रसर है हर कार्य को सुचारू रूप से चलाने को लेकर, चाहे वो वायु प्रदूषण की बात हो चाहे पेयजल की बात हो, वैसे में लोगों से भी सहयोग की उम्मीद नगर निगम करता है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ, कैमरामैन संजय के साथ धीरेन्द्र, मिरर मीडिया धनबाद।